सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम और स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सिहाग मुरा फार्म पर। दोस्तों, सभी भाइयों को सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया जो इतना सपोर्ट कर रहे हो चैनल को। एक इतने अच्छा जो मुर्रा की मुहिम थी हमारी, हर घर मुर्रा की, उसको अच्छा प्रयास में मैं कहूँगा एक अच्छा सफल पूर्वक रिजल्ट भी मिल रहा है, परिणाम भी मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है उन भाइयों के लिए जो भाई पलवल क्षेत्र या फिर मथुरा क्षेत्र या फिर हमारा जो हरियाणा बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर है, जो कि इकट्ठे हैं पलवल में लगभग, तो उस क्षेत्र से जो भाई बिलोंग रखते हैं उन भाइयों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। और जिन भाइयों की डिमांड थी खासकर तूफान कुंगड़ का रिजल्ट दिखाया जाए, उन भाइयों के लिए भी ज़बरदस्त वीडियो होगी। तो सबसे पहले मिलवाना चाहूँगा हमारे गेस्ट आज के फार्म के जोगिंदर भाई, जो कि काफ़ी अच्छे जाने माने चेहरे हैं उस क्षेत्र के, लगभग भाई जानते हैं अपने पलवल क्षेत्र से हैं, रावत डेयरी फार्म जो यूट्यूब चैनल है उनके ओनर भी हैं। तो सबसे पहले मिलेंगे आज इनसे और इनके जो पूरा बायोडाटा वो भी मैं आपको दूंगा। तो जोगिंदर भाई, राम राम। राम राम भाई, क्या हाल चाल है भाई? भाई साहब बहुत बढ़िया, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले भाई एक बार अपना एड्रेस बता दे। जी, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा से हूँ। ठीक है। और एक छोटा सा गांव पहाड़ी जिसे जो है कि पहाड़ी वाला मैं बिलोंग करता हूँ। हाँ, जी, जी, जी। तो मेरा जो प्रोसीजर है जो वो है मेरा है घर घर मुहिम, घर घर जा करके सीमन। अच्छा, घर घर जाके आप सीधा दिलाते हो पशुओं को? ठीक है। जिससे कि हमारे वहाँ भी पलवल क्षेत्र में भी दूध की कटिया पैदा हो। जी, बहुत। हमारे वहाँ पे सीमन नहीं मिलता था, उसकी वजह से मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ देखा। मैं भाई साहब से पहले मेले में मिला, फिर उसके बाद मैंने एक मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे भी अपने यहाँ पे ऐसे ही बुल और पशु तैयार करने। ठीक है, काफी शानदार। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? बस ठीक है। नाम बताएं सर। मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी, आप भी पहाड़ी क्षेत्र से? नहीं, मैं पलवल के पास नूर रोड पर कारना गांव से हूँ। अच्छा, कारना गांव से। ठीक है, बहुत। जोगिंदर जी हमारे मित्र हैं। जी, जी, ये दोस्त हैं तो साथ आए थे। जी जी, ये कह रहे थे कि कभी यार हमें भी दिखाओ। बिल्कुल, मैं हर बार किसी न किसी को अलग लेके आता हूँ। जी जी, क्योंकि उनको शौक पड़े और उनको जागरूकता। हाँ, जागरूकता। तो भाई साहब कैसा लगे आपको यहाँ? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो कितना डिफरेंस होगा आपके वहाँ की नस्ल में और यहाँ की नस्ल में? नस्ल में वहाँ में कम से कम समझो जमीन आसमान का फर्क। जमीन आसमान का। लेकिन जो एक बीच में मैं कहूंगा इसको दूर करने वाला, इसे जो दूर है या फिर डिफरेंस है इसको नजदीक लाने वाले जोगिंदर भाई हैं। हाँ, काफी अच्छा काम कर रहे हैं भाई। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा भाई, जोगिंदर भाई ना तो कोई डॉक्टर हैं या फिर कई भाई कह देते हैं डॉक्टर अपने लिए ले जाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ मानसिकता नहीं है इनका। एक ही उद्देश्य है जो रावत अपना जो भी रावत डेयरी फार्म है उसके थ्रू सभी भाइयों को जागरूकता मिले, सभी भाइयों को मोटिवेशनल मिले और पशुपालन में ज्यादातर रुझान हो, आकर्षित केंद्र बने। जी, तो मैं आपको एक और दिखाना चाहूंगा। जी, मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि जो तूफान के रिजल्ट है। जी, तो एक बार तूफान के रिजल्ट देखें। जी, तो और तब ले मेरे पलवल में भी रिजल्ट आए हुए हैं। जी जी, उनको भी मैं दिखाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है। और अभी अब फिलहाल आपको आपके ही यहाँ एक तूफान की कटिया दिखाना चाहता हूं। ये भी दिखाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा। जी जी, तो देखिए कुल मात्र 6 महीने की कटी है, मात्र 6 महीने की कटड़ी है। मैं बताना चाहूंगा हाइट लेंथ देखो और इसका बिल्कुल ये देखिए इसकी शानदार क्वालिटी। बिल्कुल लंबाई बहुत जबरदस्त है। गर्दन की बात करूं तो बेहद ही मैं कहूंगा एक्स्ट्रा पॉइंट है। और अगर पीठ पुट्ठे की बात करें सेम डिटो तूफान कुंगड़ जबरदस्त है। और इसकी नीचे की क्वालिटी की बात करो आप, बिल्कुल लाजवाब क्वालिटी, ये देख सकते हैं बहुत जबरदस्त है। ये देखिए जो थनों का गैप है वो भी जबरदस्त। और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी आपको, लेकिन काफी शानदार है, मैं कहूंगा बेहद ही जबरदस्त है। ये देखिए, आपको बार बार वीडियो भी दिखाते रहते हैं, बिल्कुल लगभग जेड ब्लैक है, कुछ बाल आप देख सकते हैं व्हाइट कलर और, में। और मैं आपको भैरव कुंगड़ की भी दिखाना चाहूंगा कि भैरव कुंगड़ की कैसी है। ये देखिए एक भैरव कुंगड़ का जो रिजल्ट है अपना काफी फेमस बोल रहा है। मासूम और कितनी चेहरा मुर्रा की बहुत बढ़िया बनावट, काफी शानदार ब्यूटी, मैं कहूंगा सेम 100% जो मुर्रा का बनावट तो होनी चाहिए वो की वो। की बात करें तो बिल्कुल जेड ब्लैक, बिल्कुल जेड ब्लैक है। अगर उम्र की बात करूं तो बताना चाहूंगा लगभग 20 महीने उम्र है। और अगर ग्याबिन की बात करूं तो लगभग 2 महीने की ग्याबिन हो चुकी है, जो कि एक अपने आप में बेमिसाल तारीफ है, काफी शानदार। इसकी नीचे की क्वालिटी की बात करो आप, बिल्कुल ये देखो भाई दोस्तों, लगभग 2 ही महीने की ग्याबिन है, लेकिन ये जो हम चमड़ी देखते हैं
खासकर 90% हम इसी से आकलन करते हैं कितना दूध देगी, वो काफी शानदार है। ये देखिए ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छी बना, बहुत अच्छा, ये देखिए काफी शानदार, तो बेहद ही जबरदस्त है भाई। की बात करूं तो मेरी आप देख लो जी जी, काफी जबरदस्त हाइट है जोगिंदर भाई की भी और इस कटड़ी की भी, आप आंकलन कर सकते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी और कटड़ी की हाइट के बारे में जरूर एक बार कमेंट करें। तो जोगिंदर भाई कब से आना है अपने फार्म पर बताएं एक बार। भाई साहब मैं तो साल भर से यहाँ आ रहा हूँ और जो जी सेवाएं दे रहा हूँ जी जी बिल्कुल। तो कोई मैं कहूंगा एक स्पष्ट बात मैं कहना चाहूंगा, बिना लालच के काम कर रहे हैं ना ही तो यही करते, एक बार बार बताता हूँ जो भी जागरूक पशुपालक है उसको अच्छा सिमन देना इनकी पहली मुहिम है, इनका प्राथमिक कार्य है। अच्छा सिमन लेके जाते हैं अपने फार्म से, हर साल आते हैं लगभग 2 या 3 रूटिये सालाना जरूर निकालते हैं अपने फार्म से। और जो भी जागरूक किसान है, जो भी पशुपालन में काम करना चाहता है, लोगों को जागरूक भी करते हैं और अच्छा सिमन भी प्रोवाइड करवाते हैं, एक तरफ काफी शानदार है। तो जोगिंदर भाई एक बार आपका मोबाइल नंबर जानना चाहूंगा मैं। सर जी मेरा मोबाइल नंबर है 9813 जी 5290 80 जी 5290। दूसरा नंबर बताना चाहूंगा जी 7015 जी 8910 44। ठीक है, तो स्क्रीन पे कोने पर आप जोगिंदर भाई का नंबर देख सकते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र में भाई आप सिमन पहुंचा सकते हैं बताएं। मैं जी पलवल और अलीगढ़ में जी यूपी में बताऊंगा, अलीगढ़ है जी, मथुरा है जी, और आप राजस्थान में भरतपुर तक मैं सीमन पहुंचाने का कार्य। अच्छा वहाँ पर पहुँचा हाँ, देते हो तो। उधर साइड में गुड़गामा है, ठीक है, सोना है, ठीक है, ठीक है, फरीदाबाद है, ठीक है, ठीक है, और पलवल है। पलवल तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कितने दिन हो गए भाई, कितने साल हो गए बताएं थोड़ा एक बार। मैंने तो कुल में जी 1 साल से ही आपसे प्रेरित होकर के आपके यहाँ आकर के काम किया है और जिसमें मेरे रिजल्ट भी आने लगा है, बच्चों का रिजल्ट भी आ गए। तो कैसा क्या कुछ मेरी जो वो है, मेरी सोच ये है कि सीधा मैं आपसे गुल मालिक से ही सीमन लेके और उनको लगाता हूँ जिससे कि डुप्लीकेटी से हम बहुत ज्यादा जी जी। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात बताई भाई ने और बहुत अच्छे रिजल्ट है भाई, बहुत अच्छा काम है। YouTube चैनल के माध्यम से बार बार मैं आपको लोगों को दिखाता रहता हूँ रिजल्ट कैसे हैं, सिमन कैसा है, डुप्लीकेसी से कैसे बचें, क्या डाइट दें, कैसे काफ तैयार होता है, कैसे हम एक अपनी जीवन यापन एक अच्छा लाइफस्टाइल व्यतीत कर सकते हैं पशुपालन के माध्यम से। ये देखिए काफी शानदार साथ ही अपने मोनू भाई है भाई, काफी अच्छे, बहुत दिल से सेवा करते हैं पशुओं की, काफी जबरदस्त। तो ठीक है भाई जोगिंदर, बहुत अच्छा लगे आपसे मिलके, ऐसे ही काम करते रहें। जो आपके युवा खासकर मैं कहूंगा पलवल क्षेत्र के जागरूक हों इस नस्ल के प्रति, इस मुर्रा नस्ल के प्रति, जो कि हरियाणा का काला सोना माना जाता है, ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा, इसके प्रति जागरूक हों, मोटिवेशनल हों और ज्यादातर पशुपालन की एक कदम तो जरूर रखें इस ओर। जी ठीक है जी, इसी के साथ मैं नमस्कार और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मेरा भी एक, मैंने भी एक छोटा सा चैनल चलाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, डेयरी फार्म के नाम से रावत डेयरी फार्म जी। लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जोगिंदर भाई का चैनल है, मैं भी इनका एक फॉलोवर हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, इनको भी ज्यादा से ज्यादा आप फॉलो करें ताकि जो भी पलवल क्षेत्र के पशु हैं, जो भी वहां का नस्ल सुधार में विकास है, वो इनके चैनल पर आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है तो पशुओं का मैं कहूंगा धूप लगाने का टाइम है, ये देख सकते हैं काफी शानदार और है। तो एक और बात मैं बताना चाहूंगा सभी भाइयों को कि पशु चाहे कम रख लो लेकिन रखो सारे ब्रीड के, रखो सारे नस्ल सुधार के, जिनसे आप कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट ले सको, ऐसे ही पशु आप ज्यादातर रखो अपने घरों में। तो ठीक है भाइयों, वीडियो बताना कैसी लगी, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार, जल्दी मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में। ठीक है भाई जोगिंदर, ठीक है भाई पवन जी, बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है भाई मोनू, ओके नमस्कार सभी साथियों को, राम राम।